हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुटूबर्स फॉर यू। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक एक महत्वपूर्ण खोज के बारे में है। आर्कियोलॉजिस्ट ने देश की पहली आहत मुद्रा यानी पंचमार्क कॉइन को पहचान लिया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से 25 किलोमीटर दूर रीवागढ़ में 2400 साल पुरानी मुद्राएँ मिली हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों का दावा है कि देश में सबसे पहले मध्य शासन काल में मुद्रा चलन में आई थी। खुदाई में कुषाण काल और मध्य शासन काल के चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा शरभपुरी कलचूरी शासकों के समय के सोने के सिक्के भी बड़ी संख्या में मिले हैं। खुदाई कर रही टीम का कहना है कि 2400 साल पहले रीवागढ़ 80 एकड़ का एक जल दुर्ग था जिसमें चार दरवाजे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरह से जल दुर्ग के बारे में बताया गया है वह वैसा ही दिखता है। चार दरवाजों के प्रमाण भी मिले हैं। उत्खनन सहायक डॉक्टर अरुंधति परिहार ने बताया है कि हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर के टुकड़े भी मिले हैं। करीब 2000 साल पहले राजाओं महाजनों के घरों में इन्हीं बर्तनों से खाना खाया जाता था। दोस्तों, आहत मुद्रा जो है हिंदुस्तान में सबसे पहली मुद्रा मानी जाती है जिसे पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं। खुदाई में इसके 5 पीस मिले हैं। ताम्र मुद्रा के 300 पीस मिले हैं। कुछ कुषाण काल के हैं और कुछ जो है 1700 वर्ष पुराने हैं। जनपद मुद्राएं की 4 पीस मिली हैं। 2000 साल यह पुरानी। जनपदों में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं। एक दो मुद्राएं काशी की हैं। सोने के सिक्के इनमें जो निशान मिले हैं वे 6वीं शताब्दी के शरभपुरी राजवंश के बताए जाते हैं।